नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। निजी एयरलाइंस में स्टेशन मैनेजर को पटना में घर के बाहर मारी गई गोली, हुई मौत। पटना के पुनाईचल इलाके में मंगलवार की शाम बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार को उनके घर के बाहर गोली मार दी। रुपेश को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। तो वही दूसरी ओर मूकबधिर किशोरी से कथित गैंगरेप के बाद बिहार में उसकी आंखों को पहुँचाया गया नुकसान। बिहार पुलिस ने बुधवार को बताया कि मधुबनी के गांव में बकरी चराने गई 15 वर्षीय मूकबधिर किशोरी का कथित तौर पर गैंगरेप कर नोकेली चीज से उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाया गया ताकि वह बलात्कारियों को पहचान न सके। एक डॉक्टर के मुताबिक किशोरी की एक आंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो वही तीसरी ओर बिस्किट खरीदने आई किशोरी का एमपी के दुकानदार ने किया रेप, पत्नी ने की हत्या में मदद। खंडवा मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि बिस्किट खरीदने के लिए सोमवार को दुकान पर गई 13 वर्षीय किशोरी को दुकानदार लालच देकर घर के अंदर ले गया और उसका रेप किया। बतौर पुलिस किशोरी के विरोध करने पर आरोपी व उसकी पत्नी ने उसे बुरी तरह पीटा और गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।